आपके जीवन की हर परेशानी को, आने वाले मुश्किलों भरे कल को पहले से ही बता देने वाले श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा द्वारा ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के ज्ञाता श्री सुभाशीष गुरुजी। श्री सुभाशीष गुरुजी का एकमात्र उद्देश्य है परेशानियों के भंवर में फंसे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देना। श्री सुभाशीष गुरुजी का जन्म वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में हुआ और 10 साल की उम्र से ही अपने दादा श्री पंडित रोशनलाल जी से नकारात्मक शक्तियों का कुप्रभाव कम करने पर ज्योतिष की शिक्षा दीक्षा ली और यही श्री सुभाशीष गुरुजी को उनके संरक्षक के रूप में स्वामी नरोत्तमानंद जी महाराज जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री सुभाशीष गुरुजी न सिर्फ ज्योतिष की सटीक गणना के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने पास आने वाले इंसान की छुपी या दबी हुई ऊर्जा, उसके भविष्य की संभावनाओं और उसके खोए हुए आत्मविश्वास पर संतुलित ढंग से काम करते हैं और उसे उसकी हर प्रकार की समस्या का समाधान देते हैं। अपने ज्योतिषीय ज्ञान से निरंतर शोध और मंथन करने के बाद श्री सुभाशीष गुरुजी ने ज्योतिष में छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष के नए ढंग की गणना को जन्म देकर इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। आज श्री सुभाशीष गुरुजी मानव कल्याण के कार्यों के साथ साथ मुसीबतों से लड़ रहे व्यक्तियों की हर संभव सहायता कर रहे हैं और हर मंगलवार और शनिवार को श्री सुभाशीष गुरुजी नकारात्मक शक्तियों को प्रभावहीन करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों को बिल्कुल निशुल्क देखते हैं। ऐसे हैं श्री सुभाशीष गुरुजी। कहते हैं जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। नमस्कार, कार्यक्रम ग्रहों की चाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। लेकिन हम कभी नहीं बदलेंगे दर्शकों, हम इसी तरह से आते रहेंगे और आपके जीवन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि अगर जीवन में आपके किसी तरह की कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, तो उसका समाधान हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सुभाशीष गुरुजी का। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। दर्शकों, आपके मन में भी किसी तरह का कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर आप गुरुजी से जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिर से कहना चाहूंगी कि जब आप हमें कॉल करें तो आपके पास होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये नहीं है आपके पास तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी अपने बारे में जान सकते हैं। गुरुजी, आज सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों की शादी बहुत लेट होती है, फिर शादी हो गई तो उसके बाद उन्हें बेबी कंसीव करने में बहुत सालों लग जाते हैं। हम देखते हैं किसी किसी को 10 साल बाद बच्चा हो रहा है, 11 साल बाद हो रहा है, 8 साल बाद हो रहा है, बहुत लंबा समय लग जाता है। ऐसा किस वजह से होता है, ऐसे ग्रहों की क्या स्थिति बनती है जो ये परेशानियाँ आती हैं? अगर कुंडली में संतान का योग नहीं है तो 70-80% संतान का योग संतान नहीं होगी, ये बात सही है। अनेकों कारण इसके बन सकते हैं जी। जैसे हम कुंडली मिलान कराते हैं उस समय लड़की और लड़के की कुंडली देखी जाती है और उस कुंडली में अगर संतान का, सपोज करो कि लड़की की कुंडली में संतान का योग नहीं है, उसका पंचमेश वीक है, पंचम भाव का स्वामी खराब है, तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में या तो होगी ही नहीं या होगी तो बहुत देर से होगी, ऐसा देखा जाता है। ऐसे ही आप वर की कुंडली देख सकते हैं, क्योंकि जब कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दंपत्ति को संतान का सुख है या नहीं। अगर संतान का सुख है तो निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होगी। इस बारे में आपसे और भी बात करेंगे लेकिन एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी गुरु जी बात हो पाएगी? जी बिल्कुल हो पाएगी। आप ये बताएं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी जी जी, अपने बारे में जानना है। जी अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें बता दें। जी मेरा नाम उजेंद्र है। जी जी उजेंद्र जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी, तो मतलब 23 मार्च 1979। 23 मार्च 1979। जी टाइम टाइम है सुबह का, मतलब 5:59 प्लेस ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 23 मार्च। जन्म का स्थान क्या बताया आपने? जन्म का स्थान? जन्म का स्थान बक्सर बिहार। बक्सर बिहार। क्या प्रश्न है आपका? जी हमारी प्रश्न है कि हमारे जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही है, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ दिल्ली में ही, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं दिक्कत हो रही है कि उसमें मेरी क्या कहते हैं आगे चलते मतलब ये नौकरी करता रहूंगा मैं या मेरा कोई निजी अपना बिजनेस हो पाएगा या ये नौकरी मेरी बरकत होगी मतलब कि आगे मतलब तरक्की होगी कि नहीं होगी, कि बस एक छोटी सी पोस्ट में काम करता रहूंगा जी। और मैंने मतलब कई बार अपना बिजनेस भी अपना खुद का कुछ करने की कोशिश की मैंने, जिससे मेरी बिजनेस में रुकावटें आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। और क्या है कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ अपना स्वयं का मकान बनाने के लिए दिल्ली में ही, मेरा स्वयं का मकान नहीं बन पा रहा है, जैसे मैं मकान बनाने की कोशिश करता हूँ वैसे ना कोई मेरे साथ में मेरे परिवार के साथ दिक्कतें आ जाती हैं कि मैं वो काम नहीं कर पाता हूँ। देखिए उजेंद्र जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी इस समय आप प्रणाम जी प्रणाम जय श्री राम। आप इस समय एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि इस समय कोई परिवार में झगड़े चल रहे हैं? जी गुरु, झगड़े तो होते ही हैं, क्या है जब तक हमारे घर में क्या करना इस वक्त दिक्कत है, पैसों रुपए की दिक्कत है, तो आपस में हमारे परिवार में गृह नहीं बने रहते हैं गुरु जी। नहीं खासकर मैं आपका कोई भाई हो और प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय झगड़े चल रहे हों परिवार में, ये प्रश्न हो रहा है। ऐसा हो रहा है, मेरा खुद का भाई है, क्योंकि दशा इस समय हिस्सा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो दशा है आपने राहु में राहु का अंतर दशा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार में झगड़े चल रहे होते हैं। आपने सबसे पहला प्रश्न किया है कि मेरी नौकरी सही तरीके से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी और बिजनेस क्या करूँ मैं। देखिए आपकी कुंभ लग्न की पत्रिका बनती है और शुक्र वहाँ विराजमान है, बुध आपके नीच के कुंडली में विराजमान है। आपने अगर बिजनेस करना है तो किसी पार्टनर का साथ लीजिए, अन्यथा आप एक क्या दो क्या तीन बिजनेस कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति नौकरी में से पैसा कमाता है और बिजनेस में पैसा लगा देता है, और आपने ऐसा ही किया होगा एक दो बार जी गुरु, कि नौकरी में से नौकरी आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी क्योंकि शनि आपका अच्छी स्थिति में विराजमान है। लेकिन जैसे ही ऐसा व्यक्ति बिजनेस में उतरता है उसको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो शॉर्ट टेम्पर होता है, मतलब उसको गुस्सा बहुत आ जाता है, और बिजनेस में गुस्सा नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना स्वभाव सुधारिए। कौन सा पहलू मैं या पूजा कैसे करूं मैं? नहीं सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का आंसर दे रहा हूं कि सबसे पहले अपना स्वभाव को सुधारिए, कि जो शॉर्ट टाइम पर हो आप, आपको अधिक गुस्सा आ जाता है अचानक, अपनी बातों को जल्द से फैसला कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें ठहरिए, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन आपने कहा कि एक बार बिजनेस कर लिया मैंने, दो बार कर लिया फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। देखिए जिस व्यक्ति का बुध नीच का विराजमान होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि जिसका बुध खराब होगा वो बिजनेस के लिए नहीं बना, उसको केवल नौकरी ही करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति का शनि अच्छा होगा, जैसे आपकी कुंडली में शनि अच्छे विराजमान है, तो क्या होगा, शनि आपको प्राइवेट नौकरी में सक्सेस दिलाएगा। अगर आपकी एक नौकरी छूटती होगी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं ये बात, कि अगर आपकी एक नौकरी छूटती होगी तो दूसरी लग जाती होगी, ये बताइए मुझे। जी
जी नौकरी तो मिल जाती है, नौकरी के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये होता है कि अपना खुद का बिजनेस कर ले तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा आपको ये समझते कि अपना खुद का बिजनेस हो जाए। देखिए, खुद के बिजनेस के लिए आपने दो बार प्रयास किया है लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने स्वभाव को सुधारिए। आपका पार्टनर आपकी नहीं सुनेगा, समझिए मेरी बात को। ऐसे गुस्से में ऐसे शॉर्ट टेम्पर वाले व्यक्ति को पार्टनर से बना के रखनी पड़ती है। अगर कोई पार्टनर होता है तो साझेदारी का बिजनेस होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो साझेदारी में तो कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को पहले बदलिए। पहले भी अगर आपने बिजनेस किया होगा तो निश्चित तौर पर आपके गुस्से की वजह से आपने खट से फैसले ले लिए कि इस व्यक्ति से, इस पार्टी से मुझे काम नहीं करना। तो क्या होता है कि व्यक्ति अपने ग्रहों के कारण कहीं ना कहीं उसमें गलत फैसले ले लेता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने स्वभाव को सुधारिए। दूसरा कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उस उपाय को आरंभ कर दीजिए जिससे आपका पार्टनरशिप, अगर तीसरी बार आप व्यापार करें तो आप अपनी नौकरी मत छोड़िएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने नौकरी छोड़ी तो आपको समस्याएं और अधिक आएंगी। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी चलते व्यापार करे, पहले नौकरी करते रहे, लगे आपको साल दो साल कि मैं इस व्यापार में 25% अपना समय दे पा रहा हूँ, तो फिर उसको चेंज कीजिए। अन्यथा ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने नौकरी छोड़ दी और आपने बिजनेस में काम कर पैसा लगा दिया, तो आपको धन की भी हानि होगी, मान प्रतिष्ठा भी जाएगी और आजीविका में आपको कष्ट पहुँचेगा। इसीलिए सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी भी ना छोड़ूं, नौकरी भी करता रहा? बिल्कुल नौकरी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि शनि जो है व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी में खासकर व्यक्ति को सब कुछ दिया करता है, और एक नौकरी छूटती होगी तो दूसरी मिल जाती है, तो इसलिए शनि दे रहे हैं आपको। लेकिन अगर बुध को सही करना है आपको तो दो तीन उपाय आप अवश्य कीजिए। उपाय क्या कीजिए आप, सबसे पहले अगर कोई आपकी बुआ हो, आपकी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आप अपने उद्घाटन में उनको अवश्य बुलाएं। पहले उनका आशीर्वाद आपको अवश्य चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये आपके लिए उपाय है। दूसरा उपाय क्या करें कि आप नित्य प्रतिदिन गौओं की सेवा आरंभ कर दें, चाहे आप गुड़ खिलाकर के आए, रोटी खिलाकर के आए, नित्य प्रतिदिन कोई ऐसा दिन ना जाए आपसे कि जिस दिन आपने गौओं को भोजन नहीं कराया, आप निश्चित तौर पर बिजनेस कर पाएंगे। ये जो उपाय हैं आपको करते रहने चाहिए, और अगर कोई पार्टनर मिले तो पार्टनर से जुड़े। अगर आप अकेला बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। एक्चुअली होता क्या है अनु जी, जब कोई व्यक्ति पार्टनरशिप करता है तो उसके ग्रह अलग होते हैं, और जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल व्यापार करता है तो उसके ग्रह अलग होते हैं। जैसे हमारे उजेंद्र जी हैं, इनके ग्रह बिल्कुल अलग है, इनके गुस्से की वजह से इनका व्यापार खराब होता है। ये डिसीजन जो लेंगे वो सडन लेंगे और सडन चेंज होंगी जीवन में। अगर व्यक्ति को व्यापार फलीभूत होता है तो सप्तम भाव प्रबल होना चाहिए, अगर सप्तम भाव प्रबल नहीं है तो व्यापार आप नहीं कर सकते। अगर सप्तम भाव पर कोई ऐसे प्लैनेटों की दृष्टि है तो उनका उपाय अवश्य करना चाहिए। इन उपायों के माध्यम से आप बिजनेस कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है उजेंद्र जी?
जी, तो चलिए इन्होंने तो अपने बारे में जान लिया है कि इन्हें बिजनेस करना चाहिए या फिर नौकरी करनी चाहिए, और दोनों अगर एक साथ करने हैं तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। आपके मन में भी किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरु जी, आज हम बात कर रहे थे संतान सुख के बारे में। हम देखते हैं कि बहुत सी लेडीज़ जो है कंसीव कर लेती हैं, लेकिन एक या दूसरे महीने में उनका मिसकैरेज हो जाता है, और ये सिर्फ एक बार नहीं होता है बल्कि 2-3 बार उनके साथ ऐसा होता हो जाता है। ऐसा किस वजह से होता है प्रभु, कि क्या ऐसी स्थिति बनती है कि उन्हें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को बता दूं कि कुंडली में सब कुछ होता है कि संतान होगी या नहीं होगी, संतान खंडित कितनी होंगी, ये भी कुंडली में कि आपके 4 संतान होंगी और 4 खंडित हो जाएंगे। लेकिन खंडित का उपाय अलग है, और कुछ लोगों के संतान हो ही नहीं पाते, कंसीव नहीं कर पाते। कुछ स्त्रियां कंसीव नहीं कर पाती हैं, उसमें उस केस में उपाय अलग होते हैं। अगर कंसीव कर लिया और 2 या 3 या 4 महीने में वो खंडित हो गई संतान, तो उसमें क्या होता है, अगर बार बार संतान खंडित हो रही है तो पंचम भाव तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता ही है व्यक्ति का संतान को लेकर के। लेकिन कुछ किए कराए का भी असर अवश्य होता है। जिन जातिका या जातकों की जन्म कुंडली में बंधत्व, काक बंधत्व, गर्भ स्त्राव, संतानहीनता दोष होते हैं, अगर ऐसी कुंडली में दोष है तो मेडिकल साइंस भी उनकी सहायता नहीं कर सकती। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन संतान नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं ऐसे दोष हैं। अगर कुंडली में ऐसे दोष हैं तो निश्चित तौर पर इन दोषों का निवारण जन्म कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है। 2-3 महीने में संतान खंडित हो रही है तो उसके उपाय भी हैं कि कौन से महीने में संस्कार करना चाहिए। हम अनुजी क्या है, हम संस्कारों को भूल रहे हैं, वो संस्कार ही ऐसा माध्यम है कि जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है, अगर आप विवाहित हैं और आप संतान सुख की कल्पना करना चाहते हैं, संतान सुख का समय देखना चाहते हैं, तो आजकल क्या है कि हम किस स्थिति में हैं हम ये भी नहीं देखते। गर्भाधान संस्कार का मतलब ये होता है कि गर्भ ठहरने से पहले जो रिलेशनशिप है हमारी, हम किस समय पर, किस दशा में, किस अंतर दशा में अपनी रिलेशनशिप को, तब हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, या वो बीमार होगा। अगर बीज अच्छा होगा, मुहूर्त का ध्यान रखा जाएगा, तो पौधा भी अच्छा होगा। तो संस्कारों को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो दर्शकों, अगर आप भी हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर हमसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। तो उनकी डिटेल आप हमें दे दें। सबसे पहले अपना नाम आप हमें बताएं। मेरा नाम काजल है। जी काजल जी, तो उनकी डिटेल दे दें आप हमें। हाँ जी, मेरे बेटे की जन्म की तारीख है 4/10/2002। ठीक है जी। टाइम और समय है 11:05 सुबह का, और जन्म का स्थान है दिल्ली का। काजल जी, क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ उसकी पढ़ाई के बारे में जानना है। जी क्या जानना चाहती हैं? जय श्री बालाजी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ। पढ़ाई के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ, मेरा बेटा है ना, 1 साल से CA कर रहा था जी, बहुत अच्छा। पता नहीं उसका दिमाग एकदम क्या हुआ कि उसने कहा बीच में मैं CA नहीं करना चाहता, अब IAS करनी है मुझे। बहुत बढ़िया। हाँ,
तो उसे पता नहीं है कि क्या दिक्कत आ गई कि सीए करते करते उसने आईएएस का कर लिया कि मैं आईएएस करना चाहता हूँ। ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से उसने सीए की पढ़ाई छोड़ दी? पहले उसे सीए में ज्यादा इंटरेस्ट था, वो कहता था मैं सीए करना चाहता हूँ। एक मुझे डेट बताइए कि जो इसने जो डिसीजन लिया ये 9 नवंबर 2022 से पहले लिया? हाँ जी गुरुजी। जी आपके बच्चे की कुंडली देख पा रहा हूँ, वृश्चिक लगन की पत्रिका है इसकी। वृश्चिक लगन, सबसे पहले हम लगन के बारे में जान लेते हैं कि लगन है क्या। ऐसा समझ लीजिए कि एक बिच्छू, जैसे बिच्छू के डंक बाहर होते हैं और काट करके अंदर कर लेता है, तो वृश्चिक लगन की पत्रिका और जो वो करता है उसको करके मानता है। विद्यार्थी में ये गुण अवश्य देखने को मिले हैं, क्योंकि विद्यार्थी के 5 गुण अवश्य होने चाहिए, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। जैसा व्यक्ति काग चेष्टा यानी कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, स्वानिंद्रा अल्पाहारी कम भोजन करने वाला। अनेकों लोग ऐसे हैं, अनेकों बच्चे ऐसे हैं कि उल्टा सीधा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्या में समस्याएं आती हैं। अल्पाहारी और गृह त्यागी, होमसिक नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति, जो बच्चा घर से ज़्यादा लगाव होगा, अगर उसको गुरुकुल में जाना पड़े तो शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण है, सभी गुरुकुल में पढ़े हैं। तो 5 चीजें विद्यार्थी में अवश्य होनी चाहिए। ये तो मैं बात सभी की कर रहा था, लेकिन अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। देखिए, पंचम भाव का स्वामी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति बने हुए हैं और नवम भाव के अंदर वह उच्च के होकर के विराजमान है। उनकी दृष्टि लगन को देखती है, पंचम भाव को देखती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे को आप चाहे सीए करा लीजिए, चाहे आप डॉक्टरी करा लीजिए, चाहे आप कह रहे हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहा है वो करा लीजिए। सबसे पहले तो कोई भी काम करेगा ये पूर्ण रूप से करेगा, उसमें 100% देगा अपना। सबसे पहले तो ये खूबी मैंने आपको बताई थी। अगर आप ये घबरा रही हैं कि इसने डिसीजन क्यों लिया, ये देखिए, इस समय जो दशा चल रही है, सूर्य में शनि की अंतर दशा चल रही है। जब भी सूर्य में शनि की अंतर दशा आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डिस्टर्ब होता है और अपने फैसले अच्छे या बुरे ले सकता है। वो देखा जाएगा आपके ग्रह से कि कौन सा ग्रह आपका बलवान है और कौन सा बलहीन है। लेकिन ये व्यक्ति, ये जो बच्चा है आपका, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो सीए कर रहा था, सीए करवाते हैं बुध। बुध ग्रह अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होगा तो व्यक्ति सीए में जाएगा, अकाउंटेंसी में जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा होगा तो आईएएस आईपीएस व्यक्ति बनता है। अब इस व्यक्ति का, इस बच्चे का सूर्य देख लेते हैं कि सूर्य कैसा है। देखिए, सूर्य दशम भाव का स्वामी होकर, सूर्य आपके बच्चे की जन्म कुंडली में दशम भाव का, कर्म भाव का स्वामी होकर, उच्चाभिलाषी होकर बुध के साथ विराजमान है 11th हाउस में। तो ऐसा बच्चा पैसे के पीछे तो भागेगा ही भागेगा, मनी माइंडेड है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा। इसके ऊपर कुछ जातक ऐसे होते हैं जी कि किसी की नौकरी करना नहीं चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहते, तो उनको ऐसी ही नौकरी चाहिए, ऐसा ही व्यापार चाहिए कि मुझे किसी को कोई रिपोर्ट नहीं देनी पड़ेगी। अगर ऐसे बच्चे को कोई नीचे स्तर की नौकरी करा दी जाए तो वैसे ही डिप्रेशन में आ जाएगा।
और सूर्य इसका बलि है। मंगल और चंद्रमा इसके 10th हाउस में विराजमान है, इसलिए ये सीए कर सकता है, डॉक्टरी कर सकता है और ये आईएएस की तैयारी कर रहा है तो अति उत्तम है। निश्चित मानिए, आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि मेरा बच्चा कैसे क्या होगा इसका, इसमें खुद इतनी बुद्धि है। आपको इस बात को ध्यान देना होगा। आप एक बात बताइए मुझे, कभी भी आप लाइन पर हैं? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। आप एक छोटी सी बात बताइए कि बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को ये कहना पड़ता है कि बच्चा बेटा पढ़ ले, लेकिन इस बच्चों को ये भी नहीं कहना पड़ता हुआ कि बेटा पढ़ ले, तो ये खुद ही अपनी पढ़ाई करता हुआ। आपने सही बोला, ये बच्चा ऐसे ही है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, ये बच्चा सब कुछ करने को तैयार है और सीए करता वो भी अच्छे करता, और आईएएस की तैयारी कर रहा है तो आईएएस भी ये निश्चित तौर पर करेगा। बिल्कुल आप अपने दिमाग में से इस बात को निकाल लीजिए। एक काम जरूर कीजिए, माँ की दर्द उधर ना जाए जी, ये आप बता दीजिए को बच्चे को आईएएस की तैयारी करवा देते, कोई स्टोन वगैरह धारण करवा दे, ताकि बच्चा बीच में बस ये ना बोले कि मैं आईएएस भी नहीं करना चाहता। देखिए, अगर इनको स्टोन पहनाने हैं, देखिए स्टोन पहनाने का एक थोड़ा सा तरीका अलग होता है, लेकिन अगर आप, क्योंकि कुंडली को बहुत कुछ देखा जाता है, कुंडली में नमाज, कुंडली में क्या है, इतना समय नहीं हो पाता यहाँ पर कि मैं क्या क्या चीज़ आपको बताऊँ, और मैं गलत प्रेडिक्शन करना नहीं चाहता। तो आप एक काम ज़रूर करें, इनको अगर स्टोन पहनाने हैं तो एक मूंगा धारण करवाइए, एक पुखराज धारण करवाइए और एक मोती, ये तीनों ट्रायंगल बनवा करके इसके गले में धारण करवा दीजिए। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसको ये कहिएगा कि अपने बड़ों से थोड़ा सा बच के रहे, बच के मतलब उनका अनादर ना कहे, उनका अनादर ना करे, उनसे अपशब्द ना कहे, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के खराब हो जाते हैं और भाग्य बिगड़ जाता है। जो ग्रह देने वाला है और उस रिश्ते को कहीं अपमानित करते हैं, जैसे बृहस्पति इसका बहुत अच्छा है कुंडली में, भाग्य भाव में विराजमान है, अगर हम उस रिश्ते को परेशान करते हैं, बृहस्पति यानी अपने से बड़े यानी गुरु, उनका बड़ा भाई, कहीं ना कहीं उस रिश्ते को परेशान करते हैं तो बृहस्पति खराब होगा और भाग्य में समस्याएं उत्पन्न करेगा। इसलिए इस बच्चे को यही उपाय बेहतर होगा कि थोड़ा सा महात्माओं से, संतों से या तो दूरी बना के रखे, और अगर उनके साथ अच्छा बैठना उठना है तो उनसे अपशब्द ना कहे, ये बेहतर उपाय होगा। जी श्रीमती जी, और कोई प्रश्न है? नहीं गुरु जी, बस यही जानना चाहते थे गुरु जी। जी जय श्री राम। तो इन्होंने तो अपनी बेटी के बारे में जान लिया, आपके मन में भी अगर अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरु जी, यहाँ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि पहले इनका बेटा सीए करना चाहता था, फिर उसने कहा कि मुझे आईएएस बनना है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें आखिर अपनी लाइफ में करना क्या है, तो ऐसे में वो ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ये जान सकते हैं कि कौन सी फील्ड में उन्हें जाना चाहिए ताकि उनका जो लाइफ है वो बेटर रहे। देखिए अनु जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये हर घर की समस्या है। माता पिता चाहते हैं, अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, अगर माता पिता कहते हैं, माता पिता अगर वकील हैं तो मेरा बेटा वकील बनेगा, अगर जोशी हैं तो वो कहते हैं कि जोशी बनाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें थोपी जा रही हैं, बच्चे का मन नहीं देखा जा रहा। लेकिन ज्योतिष की बात आती है, ग्रहों की बात आती है, अगर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, उस पर थोप कर कोई सब्जेक्ट उसको डॉक्टर बना दिया, लेकिन अच्छा डॉक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये कुंडली बताएगी। आपने एडवोकेट बना दिया, वकील बना दिया, लेकिन अच्छा वकील बन पाएगा, उसका नेम फेम उसमें होगा कि नहीं होगा, ये कुंडली बताएगी। और जब हम सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो हमारी बुद्धि
परपक्व नहीं हो पाते। या तो हम उस सब्जेक्ट को ध्यान देते हैं कि हमारे दोस्त ने लिया हुआ है, मैं तो उस सब्जेक्ट में जाऊँगा, या माता पिताओं का थोपा हुआ सब्जेक्ट होता है कि नहीं तू तो इंजीनियर बनेगा साइंस ले, तू डॉक्टर बनेगा तू साइंस ले, तुझे सीए बनाना है तू कॉमर्स ले। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे की बुद्धि परपक्की नहीं हो पाती, पूर्ण रूप से नहीं चल पाती। 11th क्लास में बच्चा ऐसा फैसला ले सकता है क्या? 11th क्लास के अंदर कोई बच्चा ऐसा फैसला ले ही नहीं सकता कि बहुत कम बच्चे मिलेंगे आपको ऐसे कि मेरी जो आजीविका है वो किससे चलेगी, कि मैं जो धन कमाऊंगा वो नौकरी से कमाऊंगा या व्यापार से कमाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हम बच्चे को केवल, अब बच्चा सामान्य पढ़ाई करता है, सामान्य बुद्धि वाला है, बुद्धि तो देखो सब में एक जैसी होती है, लेकिन उसको कितना यूज करते हैं ये डिपेंड बच्चे पर करता है। और माता पिता इस बात का विशेष ध्यान नहीं रखते कि ज्योतिष का सहारा लेकर हम सटीकता से ये बता सकते हैं कि बच्चा मैथ में अच्छा होगा, बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, करेगा कि नहीं करेगा, या बच्चा डॉक्टर बनेगा या एडवोकेट बनेगा। ये सब चीज़ें हमारी कुंडली के माध्यम से जानी जा सकती हैं। कुंडली के माध्यम से अगर आपने विषय चुन लिया तो निश्चित तौर पर आपको मुँह की नहीं खानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें कुंडली के माध्यम से जानी जा सकती हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसका माध्यम एक ही है और वो है ज्योतिष। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हमेशा की तरह आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अनु आपसे वही कहना चाहेगी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि हंसते हुए चेहरे हर किसी को अच्छे लगते हैं। गुरु जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।